तो ठीक हाँ, जैसे मान लो तुमने कोई कोड लिखा है तो उसने इंक्रीमेंट किया, ठीक जैसे 5 था तो इंक्रीमेंट करोगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद इसी कोड में जब इंक्रीमेंट करोगे तो ये 4 से 5 होना चाहिए, लेकिन एक अलग कोड बनेगा जिससे 5 से 6 हो जाएगा, तो आउटपुट तुम्हारा 6 आ जाएगा। ये साले पढ़ाकू लोग घर को बता रहे थे, इंक्रीमेंट दोनों लगाओगे तो 5 से 5 ही आना चाहिए ना। वो ना बताओ तो ये कंडीशन है, ये कोड है। जब दो प्रोसेस कंकरेंट हो जाती है तब कंकरेंट हो जाती है ना। हाँ बस अब ये थी दिखा एक लड़के को, वो भूखा नंगा था, नंगा नहीं था लेकिन भूखा था, भूखा था, थोड़ा सताया हुआ था। उसका नाम प्रिंस, उसका नाम, अरे सरे, उसका नाम प्रिंस था और हमने पैसे और खाना देकर उसे थोड़ा सा नहीं आएगा। हम तो सार्थक के ऊपर लिख दिए थे, स्पेस नहीं है हमारे में स्पेस। पहले मोबाइल तुमको क्या दिक्कत, तुमको दिक्कत क्या है बताओ, ड्राइव ले लो ठीक। तुमको क्या दिक्कत तुझे बताऊंगा, अभी वीडियो बना रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत, अभी जैसे 10 मिनट की बन जाएगी उसके नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, स्पेस नहीं बचा है। वो देखो सारा पढ़ने चला गया, वो देखो आज हम लोग की आईटी है, 8 बजे होनी थी वो हुई 10 से, और देखो हम लोग लैब चल रही है, 200 बैठे हुए हैं और ये लोग गाली से बात कर रहे हैं। अभी तो आपको दिखाते हैं, देखो देख लेते हैं कम जीत, ये सब जूते पड़े हुए हैं। अरे तो हेड से तो कोई नहीं चला, तो वो तो चलेगा ही, एक ना एक बंदा तो चलता है। एक मोड से बहुत कुछ होता है, आपको जाना चाहिए। हम जाते हैं वो एक दिन पहले आए यादव, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है। अगर आपको वोट देने का मौका मिला उसको, तो आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए? अरे कौन सी पार्टी, नाम बताओ। अरे पार्टी का तुम्हें नहीं पता, पॉलिटिक्स पूछना ना, तो आप आम आदमी पार्टी वोट, आपको नहीं पता पार्टी का, बीजेपी सपा कांग्रेस ये सब, किसको वोट देना चाहिए? भाजपा। आपको वोट देने का मौका मिला तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? क्यों मुझे बीजेपी का अच्छा लगा, और तुमने ग्राफ देखा बता नहीं, नेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग रहते थे पहले इंडिया में बहुत ज्यादा रहते थे, और बढ़ गए कौन सा टीवी न्यूज नहीं, ये टीवी न्यूज न्यूज वालों के आर्टिकल पढ़ते हो इसीलिए। तो अगर आपको वोट देने का मौका मिला, अरे इनडायरेक्टली समझ जाओ, इनडायरेक्टली समझ जाओ क्या बोलना चाह रहे यादव जी। यादव जी अपने एसपी की बात कर रहे हैं, शाह जी तो अपना विधायक चौराहे पे घूमेंगे। देखिए भैया हम तो क्या कहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा नेता चुनेंगे सीधी बात, मतलब जारे टाइम जा रहे बीजेपी नहीं चुनना चाहिए। चौथी पास कौन चुनेगा भाई, वो चुनेगा जो एमपी, जो मैं उसकी क्यों सुनूं, जो देखो मेरे स्कूल में बड़ा वो दिख रहा था कि परीक्षा पे चर्चा हो रहा है, ठीक है मैं कहा है उसकी चर्चा सुनू भाई, जो खुद फेल है 4 पास है, अच्छी बात है भाई, मतलब एजुकेटेड पर्सन को आप वोट देंगे भाई, तुम भी एजुकेटेड खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। सही बात है, चलो अब इधर आइए, ये बचे भाई पांडे जी से। पांडे जी, पांडे जी मैडम बोल रही थी, बेटा इनकी बातें सुनो, पांडे जी का ओपिनियन सुनिए। हमने बोला बस बातें ही करते हैं मैडम, हम इसकी तरफ सही आदमी चला, अच्छी बात 4 रुपए पेट्रोल वो भाजपा नहीं, वो बसपा की बात कर रहा हूँ पंडित। क्योंकि मोदी जी का एक भाषा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल तो उन्होंने बोला सूर्य नगर की लड़की, बाद में ऑटोमेटिक बोला है लकड़ियों बोला है कुछ है ना, जो सारा खुद किसी धर्म का नहीं रहा वो दबदबा तो अपने रोहित भाई अपना ओपिनियन दीजिए। अरे आ जाए यार, अरे आ जाए अपना।
क्या किया गया क्या नहीं किया होना चाहिए। आप कंटेंट मिल गया वहाँ पर है, वहाँ पर कंटेंट गड़ा है पड़ा है। हम हमारे रोहित बाला हॉट सीट पे बैठे हैं पहली बार। किसका हॉट सीट है? यार मरवा गया भुजिया वाला। अच्छा मोचरी डाली हमारे लकड़ी वाला हॉट सीट है। पकड़ 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 वही दिख रही है अभी। वही दिख रही है अपोजिशन में, कोई मतलब ऐसा लीडर नहीं है जो कि कुछ मतलब करने लायक। राहुल गांधी का, राहुल गांधी बस घूमते हैं, बस घूमते हैं, बोलने का बोल कुछ पता ही नहीं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ घूमते और कुछ करते नहीं है, तो मोदी क्या कर रहा है? क्या मोदी क्या कर रहा है भाई? मोदी नहीं घूम रहा है, उधर के बड़े बड़े सो रहा है। मोदी कुछ नहीं कर रहा है भाई, मतलब मोदी नहीं घूम रहा है ना, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, घूम रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? घूम रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब ये कर जा रहा है, अगर मोदी छिना रहे हर जगह संबंध बनाना चाह रहा है भाई। दूर हट जाओ भाई, दोनों रेल आ जाएंगे भाई। प्रशासन बहुत तेज है, प्रशासन नॉन अवेलेबल नहीं होगा सब। अरे वो छोड़ो ना, एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं हर जगह इस भाई संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने देश में देश बाहर विदेश में संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, कितना ब्लेम कर लो, जीतेगी भी जीतेगी इंडिया का गठबंधन हो रहा है सब लोग प्रधानमंत्री बनने के, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और ऊपर से कौन कौन प्रधानमंत्री बनेंगे भाई? आपकी बात पे हम सहमत हैं। भाई मोदी हटाओ, बाकी किसी को बनाओ, हम खुश हैं भाई। हटेगा कैसे? हटाओ बीजेपी हटाओ। और पहले उस सरकार चला पाता था ना, आप चला पाता है। बोल राहुल गांधी के पास ना सरकार चलाया, कोई दबदबा कांग्रेस दिल से सफाई हूँ भाई। ये सारे कांग्रेसी, ये कांग्रेसी नहीं है, ये वो है, क्या नाम उनका, वैसी का सपोर्टर है हमारी भाई, वोटर है नहीं इमरान। जब होगी तब इमरान खान वोट दे गया था पाकिस्तान का, इमरान खान। ये जानते ये राजा भैया को सपोर्ट ये मत डाल देना इमरान खान ने, बम तुम्हें घर पे गिरे ना भाई तुम्हारे घर पे। अभी आईटी चल रहा है हम लोगों का, ऑपरेटिंग सिस्टम का आज आईटी है और सब रूम जो हम लोग का शिफ्ट हो चुका है दूसरी क्लास में सेकंड फ्लोर पर। और अभी देखो लौंडे लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ये जो लौंडा सामने भी दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा हरामी है साला। सामने दिखाएगा कि मस्ती कर रहा है लेकिन चुपचाप से पढ़ता रहता है, ये देखो ये सलमान बॉय अपने बहुत हरामी है। इन बड़े बालों को रखने का राज जानते हैं क्या? ज्यादा पड़ेगा तो एनर्जी कैसे स्टोर होगी, इसलिए इन बालों में स्टोर होती है। पहले के जमाने में साइंटिस्ट लोग यही करते थे, क्यों? हाँ अरे हम अरे बहुत बड़ा टॉपर, बहुत बड़ा टॉपर है भाई, ये बहुत बड़ा टॉपर है। ये साला ये तो सबसे बड़ा टॉपर है, इसे इसके चैनल पर रिपोर्ट करिए, ये टेररिस्ट है। ये भी सबसे बड़ा टॉपर है, सही बात है। टॉपर तो है नीचे से नीचे से टॉपर है। ये देखो ये गुजिया वाला है, ये असली बंदा है, ये गुजिया वाला है, ये गुजिया वाला है। ये कौन है? ये प्रशांत सिंह है, ये नहीं बोलेंगे कुछ उल्टा हो जाएगा। ये प्रशांत सिंह है, ये कॉलेज जाके लौंडिया छेड़ता है, इसकी शादी होगी, दो बच्चे। ये साला बहुत बड़ा हरामी है, मोबाइल छीन लिया से, दो बच्चों का बाप है ये। हाँ हाँ। और यहाँ आके लौंडिया छीन साले छोड़। ये साला बहुत हरामी है, ये बहुत बड़ा हरामी है भाई, बहुत बड़ा वाला हरामी है साला ये। और ये देखो ये हरामी ये रहा, लौंडिया बाज साला, लौंडा बाज भाई आता। ये देखो ये साला पढ़ रहा है, ये हरामी पढ़ने वाला, ये साला पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला है। ये देखो ये एक हरामी बैठा हुआ है, ये साला पढ़ने वाला है, ये बताता ये है
कि पढ़ता नहीं है, वो सारा पढ़ता रहता है। कल रात पबजी खेले हैं, आज रिलाइज हुआ लंच के बाद, थोड़ा पढ़ लेते हैं, 5-6 नंबर आ गए। अच्छा, लास्ट कैटेगरी में 11 नंबर आए हैं, तुमको 70। अरे वो पढ़ लियो ना, आज देखना पूरे नंबर आएंगे आज। और इसका डेवलपमेंट भी खत्म हो चुका है, वेब डेवलपमेंट तो खत्म ही हो चुका है तुम्हारा, आपकी बार डेटा स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा, अगले साल प्लेसमेंट लेके निकल जाओगे, अगले साल प्लेसमेंट लेके निकल जाएगा। ये हम लोग मुंह देते रह जाएंगे ना, क्यों नहीं? ये देखो ये हरामी लोग, ये साला सबसे बड़ा हरामी कोडर, ये देखो ये पढ़ रहा हुआ है। वीडियो बनाने दो उनको, देखिए ये लड़की से बातें कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए लड़की से बातें करते हुए। धन्यवाद। ये देखो ये लोग पढ़ती हुए, सबसे बड़ी टॉपर लोग, ये सबसे बड़ी टॉपर है रिधिमा, सबसे बड़ी टॉपर है। ये देखो ये टॉपर, क्यों क्या पढ़ा जा रहा है? कुछ देख रहे हैं आप, क्या पढ़ना क्या बात? पढ़ना क्या भाई, कितना पढ़ोगे भाई? ये टॉपर तो अभी कितना पढ़ लिया है भाई? भी आप भाई क्या ही बताएं, आप तो बता रहे हैं भाई। अरे आप कौन सा क्लास है?